नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अनिल कुमार रिच कमांडेंट के नेतृत्व में 95 बटालियन के मुख्यालय से सारनाथ चौराहे तक हुई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जगह जगह रुककर जवानों ने राहगीरों एवं रोड के किनारे रहने वालों से स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने, दौड़ने एवं वॉकिंग करने के लिए बता रहे थे। सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को संदेश दिया कि यदि अपने आप को फिट रखना है तो अपने दिन भर में थोड़ा समय निकालकर जरूर साइकिल चलाएं, टहले या दौड़े। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और इंसान इन क्रियाकलापों से हृदय, पेट, फेफड़े, खून से संबंधित बीमारियों से भी बचता है। कमांडेंट अनिल कुमार बीच ने बताया कि बटालियन कमांडेंट से फिट इंडिया फ्रीडम रन साइकिलिंग की शुरुआत की गई। इस साइकिलिंग रन में सीआरपीएफ के जवान बटालियन मुख्यालय से सारनाथ तक साइकिल चलाते हुए और वहां से लौटकर वापस मुख्यालय आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सीआरपीएफ ने अक्टूबर पूरे महीने फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों व उसके परिवार को प्रतिदिन 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस वॉकिंग व रनिंग के जरिए पूरा करना था। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का ये प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और फिट रह सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेश कुमार मिश्रा, द्वित कमांड अधिकारी उमाकांत ओझा, उप कमांडेंट हनुमान सिंह, सुजय यादव सहायक कमांडेंट, निरीक्षक कमलेश कुमार, निरीक्षक वेद प्रकाश त्रिपाठी साथ साथ वाहिनी के तमाम जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। न्यूज नाइन भारत के लिए संवाददाता तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।